अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है समा और आप देख रहे हो समा राजपूती यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ले आया हूँ एटीट्यूड नेमंट वीडियो स्टेटस। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको एक डेमो प्ले करके दिखा देता हूँ। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों की तो हम फाड़ देते। जैसे कि आपने डेमो वीडियो में देखा, अगर कि आप ही चाहते हैं कि आप इस तरीके का जो सा एटीट्यूड नेमड वीडियो स्टेटस अपने मोबाइल के ऊपर क्रिएट कर सके, तो ये मेरी वीडियो आपको एंड तक लाजमी देखनी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए इस मिनट टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये जो सी वीडियो है ये गाइस मैं आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन के ऊपर क्रिएट करना सिखाऊंगा, ताकि गाइस आप जो सा अपने नेम के ऊपर 3D इफेक्ट जो सा वो यूज़ कर सके। तो सबसे पहले गाइस आपने जो सा अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपने 3 डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। इमेज साइज जो सा गाइस आपको यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल चूज़ कर लेना है। तो यहाँ से जो सा मैं यूट्यूब थंबनेल चूज़ कर लेता हूँ, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सा आपने इसका बैकग्राउंड है तीसरे वाले चौथे वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर यहाँ पे गाइस आपने जो इसका बैकग्राउंड है वो गाइस आपने यहाँ पे जो सा वो ब्लैक चूज़ कर लेना है। ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो से इमेजेस ऐड कर लेने। तो यहाँ पे जो सा मैं प्लस और फ्रॉम गैलरी से इमेजेस जो से इसमें यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो से मैंने दो इमेजेस ऐड कर दिए। तो इन दोनों इमेजेस को कई जो से मैं स्क्रीन के मुताबिक भरा लूँगा कुछ इस तरीके से। बढ़ाने के बाद यहाँ पे किस में जाऊँगा लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर, इसको जो सके इसमें यहाँ से लॉक लगा दूंगा। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं किस यहाँ पे जो इस इमेज को भी कई जो से मैं स्क्रीन के मुताबिक भरा लूँगा। तो इसको जो सके इस मैंने ऑलरेडी पहले से एडजस्ट किया हुआ है, तो इसलिए आप जो सा काइंड मास्टर के ऊपर भी इसको ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने नेम के ऊपर जो सा 3D इफेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कि आपने जो सा टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर यहाँ पे कि आपने जो सा अपना नेम है वो किस आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे कि जो सा मैं अपना नेम है वो किस मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से कि जो सा इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर लूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका साइज जो सा इसमें थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। बढ़ाने के बाद अब किस आपको जो सा ए वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ से किस आपने सबसे नीचे जाना और यहाँ से किस आपको एक ऑप्शन आएगा इम्बोस का, तो किस आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको किस आपने अनेबल कर देना है। तो यहाँ से कि जो सा आप इसको कलर वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइटिंग जो सके यहाँ से चेंज हो रही है। तो फिलहाल जो सके इसमें यहाँ पे 47 के ऊपर ऐड कर दूँगा, चलो 32 के ऊपर ऐड कर देता हूँ। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। एडवांस जो सके इसमें इसको यहाँ से कुछ तरीके से जो सा थोड़ा कम कर दूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे किस आपका एक ऑप्शन आएगा 3D टेक्स्ट का, तो किस आपने जो है इसको अनेबल कर लेना है। अनेबल करने के बाद यहाँ पे किस आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, तो किस आपने निचले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। निचले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसकी गई जो से आपने विड्थ है वो किस आपने कुछ तरीके से ऐड कर लेनी है। जैसे कि इसमें यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, थोड़ी सी और बढ़ा लेता हूँ ताकि जो सा टेक्स्ट है वो किस ठीक तरीके से यहाँ पर ऐड हो सके। कलर का इसमें यहाँ पर यहीं ऐड करूँगा। डार्कनेस जो से इसमें थोड़ी कम करूँगा यहाँ पर किस आप देख सकते हैं कुछ तरीके से, ताकि नेम जो सके आपको ठीक तरीके से नजर आए। ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे किस आपको एक और ऑप्शन नजर आएगा 3D शेडो का, तो किस आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना और अनेबल कर देना। अनेबल करने के बाद यहाँ पे किस आपने जो सा कलर है वो किस आपने व्हाइट चूज़ कर लेना है। ओकोपेस्ट्री जो किस आपने फुल भरा लेनी है। ओके के ऊपर क्लिक करना है। साइज जो सा कि इसमें इसका थोड़ा और भरा लेता हूँ। तो यहाँ पे किस आप देख सकते हैं हमारा जो सा कि नेमड वीडियो स्टेटस है वो किस क्रिएट हो चुका है। तो किस आपने जो सा यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर इस इमेज को किस आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद किस आपने अपना जो सा काइंड मास्टर है वो किस आपने ओपन कर लेना है। काइंड मास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पे किस आपने जाना है मीडिया प्रोसेसर के ऊपर और यहाँ पे किस आपने जो सा पिक्सल लैब के ऊपर जो किस आपने इमेज क्रिएट की थी वो किस आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद इसका जो सी ड्यूरेशन है वो किस आपने उतनी भरा लेनी है जितना गाइस आपका स्टेटस है। ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब किस आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे किस मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक इमेज का लिंक दे दूंगा, तो गाइस आप जो सी उस इमेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो लेयर ऑफ मीडिया के यहाँ पे जो उसमें वो इमेज है वो किस मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो किस इमेज से मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, यहाँ पे किस मैं सबसे नीचे जाऊँगा बर्निंग वाले मोड के ऊपर और यहाँ से जो मैं इसको स्क्रीन कर दूँगा। स्क्रीन करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो से इसको उठा के कुछ तरीके से यहाँ पे ऐड कर दूँगा, जिस तरीके से किस मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे किस आप देख सकते हैं कुछ तरीके से किस जो से मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको जो सा किस आपने फ्रंट तक ले जाना जितना गाइस आपका वीडियो है। ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब किस आपने यहाँ पे जो सी ये वीडियो बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे इसमें लेयर ऑफ मीडिया जाकर यहाँ पे जो सा वीडियो बैकग्राउंड है वो किस मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो किस बैकग्राउंड वीडियो जो से किस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद किस आपको जाना होगा ब्लेंडिंग वाले मोड के ऊपर और इसको जो सा किस आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से किस आपने जो सा इसको फुल स्क्रीन के ऊपर कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद किसी ये जो से हमारी वीडियो है ये गाइस क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से गाइस आप जो से एक खूबसूरत नेमड वीडियो स्टेटस अपने मोबाइल के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सा मैंने एक टेक्स्ट लिखा है गैरों की हम फाड़ देते, तो इसका जो सा साउंड लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा, तो किस आप उसको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक लेते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।